सुनिएगा, क्या ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जोरदार तालियों के बीच में। Which of the following newspaper was not published by Mahatma Gandhi? Which of the following newspaper was not published by Mahatma Gandhi? Your options are number first Navjeevan, number second Harijan, number third Vande Mataram, number fourth Young India. You have 30 seconds. ऑप्शन आपके हैं नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम और यंग इंडिया। यंग इंडिया इज द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पास ऑन टू टीम बी। वंदे मातरम इज द करेक्ट आंसर। टीम जो हमारी 30 है उसने 3 नंबर तो ले लिए हैं। उनके लिए पहले राउंड का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु कॉल्ड गांधी जी द हाफ नेक्ड सेडिशियस फकीर। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हु कॉल्ड गांधी जी द हाफ नेक्ड सेडिशियस फकीर। क्लेमेंट एटली, नंबर सेकंड विंस्टन चर्चिल, नंबर थर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, नंबर फोर्थ लॉर्ड इरविन। आपके ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, नंबर सेकंड विंस्टन चर्चिल, नंबर थर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, नंबर फोर्थ लॉर्ड इरविन। विंस्टन चर्चिल इज द करेक्ट आंसर। टीम थर्ड विजडम हाउस के लिए पहले राउंड का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपके ऑप्शन है 1940, 1942, 1944, 1946। 1942 इज द करेक्ट आंसर। टीम चौथी वेलबिंग हाउस के लिए पहले राउंड का पहला सवाल, हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन ही वाज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे ऑन जनवरी 30, 1948। हाउ ओल्ड वाज गांधी जी When he was shot dead by Nathuram Godse on January 30, 1948। आपके ऑप्शन है 75 years, 76 years, 77 years, 78 years। 78 years is the correct answer. राउंड जो है वो समाप्त होता है, तो दूसरा राउंड जो है फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। दूसरा राउंड जो है वो आ रहा है, दूसरे राउंड का पहला क्वेश्चन टीम ए इको हाउस के लिए। सर क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी एंड रेफर टू हिम एज महाराज। हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी एंड रेफर टू हिम एज महाराज। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। टाइम हो गया आपका, क्वेश्चन पास ऑन टू टीम बी। रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन जो है, देवदास राज गांधी जी डैश ऑनली चाइल्ड
सेकंड चाइल्ड, एल्डेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड। देवदास गांधी जी के क्या लगते थे? अकेले पुत्र थे, दूसरे बच्चे थे, सबसे बड़े बच्चे थे, सबसे छोटे बच्चे थे? यंगेस्ट चाइल्ड इज द करेक्ट आंसर। टेन बी के लिए विजन वाइज थ्री के लिए जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको बताना है हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन ही रीच लंदन टू बिकम अ बैरिस्टर। हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन ही रीच लंदन टू बिकम अ बैरिस्टर। तो आपके ऑप्शन है 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स। 19 ईयर इज द करेक्ट आंसर। अब टी के लिए वेल्बिंग जो है इसके लिए क्वेश्चन आ रहा है, द बुक सत्याग्रह वाज ओरिजिनली रिटन इन, द बुक सत्याग्रह वाज ओरिजिनली रिटन इन किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली। गुजराती इज द करेक्ट आंसर। हमारे दो राउंड जो है वो पूरे हो गए हैं। तीसरा राउंड जो है वो आ रहा है। तीसरे राउंड का पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए, आपको ये बताना है What was the Gandhi ji age when he got married to Kasturba Bai? 13 years old is the correct answer. Question आ रहा है। गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई। गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो गुजराती में लिखी गई थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? आपके ऑप्शन है मगनलाल गांधी, महादेव देसाई, प्यारे लाल जी, देवदास गांधी। ऑप्शन बी कौन सा ऑप्शन? मगनलाल गांधी, महादेव देसाई, प्यारे लाल जी, देवदास गांधी। महादेव देसाई इज द करेक्ट आंसर। लड़कों ने प्रिपेयर किया हुआ हमारे उस वक्त। टीम सी के आ रहा है, द बुक अंटिल दिस लास्ट ट्रांसलेटेड बाई गांधी जी इन गुजराती एज सर्वोदिया, हु वाज इट्स ऑथर? द बुक अंटिल दिस लास्ट ट्रांसलेटेड बाई गांधी जी इन गुजराती एज सर्वोदिया, हु वाज इट्स ऑथर? आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, लुइस फिशर। जॉन रस्किन इज द करेक्ट आंसर। टीम फोर्थ हमारी हेल्पिंग हाउस के लिए तीसरे राउंड का पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? 1 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1935, 7 मार्च 1937। आपके ऑप्शन है 1 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1935, 7 मार्च 1937। पांच मार्च 1931 इज द राइट आंसर। चौथा राउंड जो है शुरू करने जा रहा हूं। चौथे राउंड का पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए,
when Gandhi ji won Nobel Peace Prize? When Gandhi ji won Nobel Peace Prize? आपके ऑप्शन है 1930, 1945, 1948 और नंबर 4 नेवर। नेवर इज द करेक्ट आंसर। आपको याद होगा गांधी जी जो है 5 बार ग्लोबल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन उनको मिला कभी नहीं। पहली बार 1937 में, फिर 1948 में, फिर 1938 में, फिर 1939 में, फिर 1947 में, फिर 1948 में। तो उसी साल 1948 में गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उस साल का नोबेल पीस प्राइज फिर गांधी जी की याद में किसी को भी नहीं दिया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो गांधी जी जो हैं उन्हें पीस प्राइज जो है, इवन के वो पूरी जिंदगी पीस के लिए काम करते रहे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज उनको नहीं मिला। तो टीम बी के लिए जो है पहला क्वेश्चन चौथे राउंड का, when Gandhi ji returned to India from South Africa, Gandhi ji जो है इंडिया में कब आए साउथ अफ्रीका से? आपके ऑप्शन है 1918, 1915, 1905. तो टीम सी के लिए, विजडम हाउस के लिए चौथे राउंड का क्वेश्चन आ रहा है, हु कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन टू गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम? हु कॉल्ड गांधी जी द फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। टीम जो हमारी भी है उसके लिए चौथे राउंड का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स? विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स? आपके ऑप्शन है अहिंसा एंड पीस, ट्रुथ एंड पीस, अहिंसा एंड ट्रुथ, ब्रह्मचार्य एंड अपारिग्रह। अहिंसा एंड ट्रुथ इज द करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन जो है टीम ए के लिए पांचवें राउंड का, व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जी सिस्टर? गांधी जी की सिस्टर का क्या नाम था? गोरी, रलियत, रंबा, मीरा। रलियत बहन इज द करेक्ट आंसर। टीम बी के लिए क्वेश्चन आ रहा है, वेयर महात्मा गांधी डिटेन्ड ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट? वेयर महात्मा गांधी डिटेन्ड ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट? आपके ऑप्शन है आगा खान पैलेस जेल, मुंबई सेंट्रल जेल, अहमदाबाद जेल, यरवेदा जेल। आगा खान पैलेस जेल इज द करेक्ट आंसर। टीम थ्री के लिए जो है पहला आखिरी राउंड का क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज गांधी जी निक नेम इन चाइल्डहुड? व्हाट वाज गांधी जी निक नेम इन चाइल्डहुड? आपके ऑप्शन है मोनो, मन्नू हारमोनिया, सोनू महू। आपके ऑप्शन है मोनो, मन्नू और मोहनिया, सोनू और महू।
ऑप्शन आते हैं मोनो, मोनिया, सोनो, मोहो। मोनिया इज करेक्ट आंसर। गांधी जी को बचपन में मन्नू या मोनिया के नाम से जो है बुलाया जाता था, और बड़े होकर जो उनका निकनेम था वो बापू था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट टीम जो हमारी है वेलबींग के लिए, उनके लिए क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ एम के गांधी। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ एम के गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, नन ऑफ द फोर। गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर।